हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के इस वॉल्यूम में जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं सारे के सारे VVI हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। खास करके लास्ट के जो दो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टाइप के क्वेश्चंस कई बार अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान पार्टनर को ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों मिलाकर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी है? ये देखिए बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। ये भी SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, 2007 में ये आया था। अब यहाँ पे देखिए, जो कमीज और पैंट का जो अंकित मूल्य है वो 1:2 के अनुपात में है। तो हम लोग दोनों मान लेंगे, जैसे पहले कमीज लिखा हुआ है और बाद में पैंट है, तो 1 पहले 2 बाद में। तो पहले हम लोग लिख लेंगे कि कमीज का जो अंकित मूल्य है वो कितना है। कमीज और पैंट दोनों का अंकित मूल्य हमें मानना है। हम लोग अगर x करके मानते हैं तो क्या करते हैं, x और 2x। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ परसेंटेज में चल रहे, लवानी में चल रहे, कहीं भी x का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि लॉन्ग मेथड हो जाएगा और हमें वहाँ समय बहुत कम रहता है, इसलिए बहुत जल्दी बनाना है। तो हम क्या मानेंगे कि कमीज का जो अंकित मूल्य है वो 100 है और ये 200 है। 100 बार 200 क्यों माना? क्योंकि 1:2 के अनुपात में है। तो 1 है तो 100, 2:1 है तो 200। अब क्या बोल रहा है कि दुकानदार कमीज पर 40% का डिस्काउंट देता है, 40% छूट देता है, और पैंट के बारे में नहीं पता, ये हमें निकालना है। बोल रहे दुकानदार कमीज पर 40% का छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों मिलाकर 30% के छूट देता है। पहले तो हम दोनों का जब कमीज का अंकित मूल्य 100 रुपया है और पैंट का अंकित मूल्य 200 रुपया है, अगर दोनों हम साथ में खरीदेंगे तो दोनों मिलाकर जो अंकित मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 300 रुपया। एग्जाम में क्या करना है, सब मन ही मन करना है, इतना कमीज पैंट नहीं लिखना है, अपना ध्यान में रखना है कि कमीज है, खाली 100 लिखा, 200 लिखा, फिर टोटल 300 लिखा। तो इसका 40% है, इसका निकालना है हमें, और दोनों मिलाकर जो देता है परसेंटेज, दोनों कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% का छूट देता है। यहाँ पे दिया हुआ है 30% का छूट देता है। अब इसको हम लोग चलिए रुपीज में निकाल लेते हैं कि रुपीज में क्या है। अब 100 रुपये में 40% छूट देगा तो कितना होगा, 40 रुपया होगा। परसेंटेज कैसे निकलता है, हम लोग परसेंटेज के चैप्टर में भी सीखे हैं, लाभ हानि का जो वॉल्यूम 1, 2, 3 उसमें भी सीखते आ रहे, इसलिए इसमें हम थोड़ा स्पीडली बना रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा अगर परेशानी हो रहा है तो पहले वो सब वॉल्यूम आप देख लें, वो सब वीडियो, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो 100 का 40% कितना हो गया, 40, ये तो, और 300 का 30% कितना हो गया, तो 90 रुपया। 300 का 30% 90 रुपया, ये हमारा क्वेश्चन से पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए, 40 रुपया कमीज का है और दोनों मिला के छूट 90 रुपया है, तो इसका कितना छूट होगा। ये आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 50 रुपया होगा, ये पता हमें नहीं था, हमने निकाला है, लेकिन जब 40 रुपया कमीज में है और दोनों मिला के 90 रुपया छूट है, तो पैंट पे जरूर कितना छूट होगा, 50 रुपया छूट होगा, ये तो हम लोग निकाल लिए। लेकिन पूछ रहा है कि पैंट पर दी गई छूट कितनी है, कितनी है मतलब प्रतिशत में कितनी है। एग्जाम में जो ऑप्शन है वो प्रतिशत में रहेगा, अगर रुपया में रहेगा तो 50 रुपया हम लोग मार देंगे, लेकिन अगर वहाँ प्रतिशत में एग्जाम में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए, अगर आप अच्छे से हमारा वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो इसके बाद आप अपने आप ऐसे ही आंसर मार दिएगा। 200 का अगर 50 रुपया है तो कितना परसेंट है, 25% है, क्योंकि 200 में 50, तो 100 में इसको आधा कर रहे थे, इसको भी आधा कर देंगे, तो 25%। या तो अगर आपको परेशानी होती है तो आपको जो अगर मेथड से हम लोग निकालने चलते हैं तो कैसे निकालेंगे, 200 में 50 रुपये, तो 100 में कितना, 100 में इसलिए क्योंकि प्रतिशत में जब भी हम लोग बात करते हैं तो 100 में बात करते हैं, और जब भी ऐसा आ जाता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिधर दो टर्म है उधर ऊपर लिखते हैं, जिधर एक टर्म है उधर नीचे लिखते हैं। तो 50 × 100 / 200 = 25% आंसर ये हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये बहुत ही आसान था, आगे देखते हैं धीरे धीरे। हम लोग आज क्या है कि थोड़ा स्पीडली भी बनाएंगे और धीरे धीरे थोड़ा क्वेश्चन हार्ड होते जाएगा और सभी क्वेश्चन न्यू टाइप का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हों तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। यहाँ पर दो बट्टा देता है, मतलब दो डिस्काउंट देता है, 20% और 10%। तो इसको हम लोग 30% नहीं मान लेंगे, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 20% और 10% का जो दो छूट है उसके बराबर एक छूट कितना है वो पहले निकाल लेंगे, जो कि हम लोग परसेंटेज चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और शायद लाभ हानि में भी हमने कहीं यूज़ किया होगा, वो ध्यान नहीं है, लेकिन परसेंटेज चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर वो नहीं पता है या नहीं समझ में आया तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लेंगे, क्योंकि 20% और 10% का दो छूट है यहाँ पर, 20% और 10%। अब दोनों छूट का हम लोग क्या करेंगे कि दोनों छूट का एक कंबाइंड छूट निकाल लेंगे शॉर्ट में जल्दी बनाने के लिए। तो कंबाइंड छूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का फॉर्मूला हम लोग बताए थे इसका, x + y + xy/100 बराबर। तो छूट है तो इसको माइनस में हम लोग लेंगे, -20 -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 200/100 बराबर हो जाएगा। 20 और 10 तो -30 हुआ और यहाँ पर +2 हो गया, तो मतलब -28% हो गया। मतलब 20% और 10% का दो छूट दे या तो 28% का एक छूट दे, दोनों बराबर हो गया। तो हमें पता चल गया कि 20% और 10% का छूट बराबर कितना हो गया, 28%। अब बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को उसे 108 रुपये मिले हों तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, मतलब उसका जो अंकित मूल्य था वो हमें नहीं पता है, लेकिन उसका जो है वो जो डिस्काउंट दिया है कितना दिया है, 28% दिया है। या तो 20% 10% दो बार निकाले या एक बार 28% निकाले, दोनों बराबर। तो 28% के बाद उसका जो दाम मिला है वो कितना मिला है, 108 रुपये मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अंकित मूल्य नहीं पता है उसको हम लोग 100 रुपये मान लेंगे, जो भी नहीं पता रहता हम लोग 100 रुपये मान लेते हैं। और उसका 28% अगर 100 रुपये में डिस्काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 28 माइनस कर देंगे 72 रुपये आएगा। देखिए, अब हमने 100 जब माना तो उसका मूल्य कितना हो गया, 72 रुपया हो गया, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल उसको दाम मिला है वो कितना मिला है, 108 रुपया मिला है, और ये तो अंकित मूल्य कितना है वो हमें निकालना है। तो इस टाइप का जैसे ही आता है हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 माना तो 72 आया, अब कितना उसका अंकित मूल्य रहेगा कि 108 आएगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कब करेंगे, जिधर दो टर्म है उधर ऊपर लिखेंगे 108 × 100, और जिधर एक टर्म है उधर क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। अब इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 रुपया, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा था, खाली ये अभी ये दो का हमने एक ही में निकाल दिया तो ये आसान पड़ा। या तो दो बार भी हम लोग निकालेंगे, 100 में पहले 20 माइनस कर देंगे तो 80 रुपया हो जाएगा, फिर 80 में 10 रुपया और माइनस कर देंगे 8 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 72 रुपया हो जाएगा। तो ये भी आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिजिट छोटा था इसलिए हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन एक में भी निकाल दिया तो भी आसान पड़े, जैसे आपको आसान पड़े, ये हो गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है तीसरा, वो है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 17% लाभ कमाने के लिए वो अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे। मतलब एक जो व्यापारी वो क्या करता है कि जो भी दाम रखता है उस पर 10% वो छूट भी देता है और 17% लाभ भी कमाना चाहता है, तो जो अंकित मूल्य है वो कितना रखे, तो और उसका जो अंकित मूल्य वो हमें निकालना है। तो पहले उसका क्रय मूल्य भी हमें नहीं पता है, तो क्रय मूल्य हम लोग मान लेंगे कि जो दुकानदार का है वो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, जो भी मानेंगे हम लोग क्रय मूल्य क्या मानेंगे, 100 रुपया मानेंगे। और उसको जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि वो 17% उसको लाभ चाहिए, जो अंकित मूल्य का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं विक्रय मूल्य का बात कर रहा हूँ, वो बेचेगा कितना में, तो 17% उसको लाभ चाहिए तो जरूर 117 रुपया उसको बेचना पड़ेगा। 100 रुपये में अगर वो खरीदा है तो 117 में उसको बेचना है, चाहे वो छूट जितना भी दे या अंकित मूल्य कितना भी रखे, बेचना उसको फाइनली कितने में है, 117 रुपये में, तभी तो 17% उसको लाभ होगा।
तो ये तो फिक्स हो गया। अब वो अंकित मूल्य कितना रखे कि 10% छूट देने के बाद भी उसको कितना में बिके, 117 में। तो अंकित मूल्य जो कितना रखेगा यही हमें निकालना है कि अंकित मूल्य उसे कितना रखना है, ये उसे निकालना है। इसमें क्या करता है, वो 10% का छूट देता है, जो अंकित मूल्य जो भी वो रखा उसमें 10% का छूट रखा। 10% छूट रखने के बाद उसको कितने में बेचना है, 117 रुपये में बेचना है। तो देखिए, हम जब भी 10% छूट की बात करते हैं तो क्या करते हैं, 90% हो जाता है, मतलब वो 90% में बेच रहा है, तो 90% बराबर 117 रुपया, तो 100%, मतलब ये जो दाम रखा पूरा 100% रखा, उसे में 10% छूट दिया तो 90 हो गया, तो 100% बराबर कितना। अब ये आ गया तो हम लोग तुरंत निकाल देते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिधर दो टर्म है उधर ऊपर लिखते हैं 117 × 100/90। इसको जब हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 130। इसको काटेंगे तो 13 आ जाएगा और 13 × 130 रुपया। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, ऑप्शन में 130% भी कभी कभी दिया हो रहेगा, हम लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं 130% मार देते हैं कि हमारा ये आंसर आ गया, ये आंसर हमारा नहीं आ गया। क्या पूछ रहा है कि वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे। क्रय मूल्य उसका कितना था, 100 रुपया था, और उसको अंकित कितना करना है, 130 रुपया, तो कितना अधिक हुआ, 30 रुपया। अब चूंकि 100 हमने माने, 100 मानने का यही फायदा है कि 100 में 30 अधिक है तो आंसर भी कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। कितना अधिक अंकित कर रहा है, 30%, क्योंकि 100 रुपया में 30 रुपया अधिक अंकित कर रहा है, तो प्रतिशत में भी 30% होगा। तो ये था सिंपल, इतना हम लोग एग्जाम में लिखेंगे नहीं, वहाँ तो शॉर्ट में लिखेंगे, बस फटाफट करते चले जाएंगे, सब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सब सब मन में करना है, सिर्फ लिखना है 100 फिर 17 बस, कि 100 रुपया में ऐसा हम लोग लिखेंगे, 100 रुपया में खरीदा उसको बेचना है 117 में, ये हमने मन ही मन लिख दिया। अब 10% छूट देता है तब 117, तो बस यहाँ लिख देंगे 90 बराबर 117, तो 100 बराबर कितना उसको क्रॉस कर देंगे। तो एग्जाम में हमारा रफ कितना हुआ, रफ जो हमारा हुआ वो कितना हुआ, इतना ही हुआ बस। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे क्या है। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है, तदनुसार यदि सी उस वस्तु को 1200 रुपये दे, उस वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है SSCGL टायर 1 में, जो एग्जाम हुआ था 1 जुलाई 2012 को। तो आइए देखते हैं क्या है, ए कितने में खरीदा था वो नहीं दिया हुआ, वही निकालना है आरंभिक मूल्य कितना था। एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब ए कितना में खरीदा था वो हमें नहीं पता है, तो जो नहीं पता रहता है वो हम क्या करते हैं, 100 रुपया मान लेते हैं, ये 100 रुपये में खरीदा था। अब क्या करता है, ये बी को बेचता है, अब बी को बेचता है कितने में बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, लाभ मतलब प्लस, किसको बेचता है, बी को बेचता है। अब 100 रुपये का 20% अधिक हम लेंगे या लाभ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। 100 मानने का ही लाभ है कि हम लोग जल्दी से निकल जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। फिर क्या करता है, बी जो है वो सी को 25% लाभ पर बेचता है, जहाँ भी हानि, अगर कभी कभी हानि भी दिया रहता है कि ये लाभ पर बेचा या हानि पे बेचा, तो हानि रहेगा तो वहाँ माइनस कर देंगे और लाभ ही है चूंकि इसलिए प्लस कर देंगे। किसको बेच रहा है, सी को बेच रहा है। अब 120 का 25% कितना होगा, 25% मतलब क्या, आधा के आधा, 120 का आधा 60, उसका आधा 30, मतलब 30 रुपया लाभ पर बेच रहा है, तो कितना होगा, 120 प्लस 30 मतलब 150 रुपया। परसेंटेज का हम लोग पहले भी वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का भी ये चौथा वॉल्यूम है, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड चल रहे हैं। ये कैसे हुआ, ये आप लोग पहले से शुरू से अगर देख रहे होंगे तो आप आसानी से समझ रहे होंगे, 120 का 25% 30 रुपया, उसमें ऐड कर दिया तो 150 रुपया बस। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ था, तदनुसार यदि सी उस वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है, यहाँ पे वो दिया हुआ है कि 1200 रुपये में खरीदता है, लेकिन हमने जब 100 माना तो कितना आया, 150, तो यहाँ पे लेकिन दिया हुआ 150 का जगह 1200 आता है, तो 100 के जगह कितना आएगा, वही तो हमें निकालना था कि 100 माना तो 150 आया, तो कितना रहेगा यहाँ पर कि 1200 आएगा। अगर इतना आप समझ रहे हैं तो बस आसानी से आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 150 रुपया सी देगा कब, जब उसका आरंभिक मूल्य 100 रुपया रहेगा, तो 1200 रुपया सी कब देगा, जब उसका आरंभिक मूल्य कितना रहेगा, वही तो हमें निकालना है कि 1200 रुपया अगर सी देता है तो आरंभिक मूल्य कितना है। सी अगर 150 देता है तो आरंभिक मूल्य 100 रुपया है, तो सी अगर 1200 देता है तो आरंभिक मूल्य कितना है। अब ऐसे आ गया तो हम लोग तो
बहुत जल्दी कर लेते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 गुने 100 बटा 150, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 800 रुपया आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया कि आरंभिक मूल्य 800 रुपये था, 800 में 20% बढ़ा, फिर 25% बढ़ा तो उसका दाम कितना हो जाएगा, 1200। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस वॉल्यूम में जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो सारे एसएससी में आए हुए हैं, चाहे बहुत पहले आए हुए हों या अभी आए हुए, लेकिन सारे के सारे एसएससी में आए हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, एक नारियल विक्रेता को पता चलता है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना कि 2500 नारियलों का विक्रय मूल्य, हानि अथवा लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पे देखिए कि वो खरीदता कितना है, क्रय करता है 2750 नारियल और बेचता कितना है, बेचता तो सभी है लेकिन अभी यहां पे बता रहे हैं कि 2500 जब नारियल वो बेचता है, 2500 नारियल बेचता है तो उसका उतना ही रुपया आ जाता है जितना में वो खरीदा था। मतलब अगर खरीदा था ये मान लीजिए 100 रुपया में, तो ये 2500 नारियल ही बेच रहा है तो उसको कितना आ जा रहा है, 100 रुपया आ जा रहा है। एक्स इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एक्स का यूज नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो हम लोग एक्स का यूज नहीं करते हैं परसेंटेज में या प्रॉफिट एंड लॉस में। 2750 नारियल खरीद के लाया मान लेते हैं कि 100 रुपया में, अब वो 2500 नारियल बेचा तो 100 रुपया उसको आ गया, तो इसका मतलब क्या, 250 नारियल उसको फायदा हो गया, 250 नारियल फायदा हो गया क्योंकि 2500 बेचा तो जितना में वो खरीद के लाया था उतना रुपये उसको आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब 2500 नारियल बेचता है तो उसको कितना फायदा हो जाए, 250 नारियल, तो 100 नारियल में कितना, 100 में इसलिए निकाल रहे क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में जब भी बात करते हैं तो 100 का बात करते हैं, तो 2500 नारियल बेचा तो 250 नारियल फायदा हो गया, तो 100 बेचेगा तो कितना उसको फायदा हो गया। ऐसे अगर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 250 गुने 100 बटा 2500, अब इसको हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 10%, यही हमारा आंसर हो गया। बस सिंपल सा था, यहाँ पे 2750 नारियल खरीद के लाए 100 रुपया में, 2500 ही बेचा तो उसको उतना रुपया आ गया, मतलब उसको जो 250 नारियल है वो फायदा हो गया। कितने में फायदा हो गया, क्योंकि वो 2500 नारियल ही बेचा है तो वो 250 फायदा हो गया। अब 2500 में 250 फायदा हो गया तो 100 में कितना, बस यही था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, एक आदमी ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि वह उस वस्तु को 12 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य है, मतलब कितना है ये निकालना है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी सीजीएल टायर 1 में, जो एग्जाम हुआ था 8 जुलाई 2012। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, एक वस्तु, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य जो भी निकालना है वो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 100 रुपया, 100 रुपया उसका क्रय मूल्य है। अब क्या बोलते हैं, एक आदमी ने उस वस्तु को 20% हानि पर बेची, अगर इसको 20% हानि पर बेचेगा, हानि पर विक्रय मूल्य, अगर इसको 20% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 80 रुपये में बेचेगा। एग्जाम में जब वहाँ पे हम बनाएंगे तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे 20% हानि पर विक्रय मूल्य, सिर्फ डायरेक्ट हम समझने के लिए डायरेक्ट लिखेंगे 80 रुपया, 100 रुपया क्रय मूल्य तो 20% हानि पर, यहाँ 20% अगर शॉर्ट में आपको भूल जाते होंगे तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे 100 रुपया, 20% हानि पर विक्रय मूल्य 80 रुपया। अब बोल रहे हैं 12 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 10% अगर लाभ पर बेचेगा, लाभ पर विक्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा, अगर 100 रुपया में खरीदा है और 10% उसको लाभ पर बेचना है तो कितने में बेचना है, 110 रुपये में। 100 मानने का ही फायदा है कि तुरंत तुरंत हम लोग बिना निकाले डायरेक्ट लिखते हैं कि 100 रुपया में खरीदा था, 20% हानि पर बेचना है तो 80 रुपया, 10% लाभ पर बेचना है तो 110 रुपया। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 20% हानि पर बेचता है और उसमें अगर 12 रुपये अधिक पर बेचता है तब 10% का लाभ होता है, लेकिन यहाँ कितने में अधिक में बेच रहा है, 30 रुपया,
ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 80 और 110 का डिफरेंस कितना है, 30 रुपया डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर हम 100 मानते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 20% हानि पर बेचता है, और यदि 30 रुपये अधिक में बेचता है तब 10% का लाभ होता है। तो 30 रुपये अधिक क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि जो क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है। यहाँ पे एग्जाम, यहाँ पे जो क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ है, 12 रुपये। तो यही निकालना है हमें, 30 रुपया अधिक में बेचना पड़ रहा है 10% लाभ के लिए, जब क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 रुपया ही अधिक पर बेचना है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है, यही क्वेश्चन है। इतना ही समझना है कि क्रय मूल्य 100 रुपया था, 20% हानि पर बेचा तो 80 रुपया हो गया। अब 12 रुपये अधिक वहाँ बोल रहा है, यहाँ पे अधिक हमें नहीं पता है, तो यहाँ बोल रहे 10% लाभ पर बेचने के लिए 110 रुपया होगा, तो यहाँ अधिक बेचना पड़ रहा है 30 रुपये में, तो 30 रुपये अधिक बेचना पड़ रहा है जब हमने क्रय मूल्य माना 100 रुपया, तो 12 रुपये अधिक में बेचना पड़ेगा जब क्रय मूल्य कितना होगा। अब इस टाइप का आएगा तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। और क्रॉस में कब करते हैं, जिधर दो टर्म रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिधर एक टर्म है उसको नीचे लिखते हैं। बस बराबर हो गया हमारा 120 नहीं है ना, इसलिए 12 × 100 और बाय 30, जीरो से जीरो काट दिए, ये 4 बराबर कितना हो गया, 40। मतलब 40 रुपये में खरीदा है और 20% तो हानि पर बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, 8 रुपये, 32 रुपये में बेचेगा। और 12 रुपये अधिक मतलब क्या हो जाएगा, 42 रुपये। तो 42 रुपये मतलब 40 में खरीदा है और 42 में बेच रहा है, तो 10% का लाभ हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए, फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखिए आप, और उसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, मेज का क्रय मूल्य कितना है। ये क्वेश्चन भी SSC का क्वेश्चन है और ये बहुत बार आया हुआ है, कभी कभी टायर 2 में भी आता है, बैंक PO वगैरह में भी आता है, हर टाइप का एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन को समझ लिया है तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो पहले आप उसी को समझ लें तो ये जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे हमें मेज का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य हमें नहीं पता है तो उसको क्या करते हैं, क्रय मूल्य मान लेंगे। क्रय मूल्य कितना मान लेंगे हम लोग, 100 रुपये। जब भी मानते हैं तो हम लोग क्या मानते हैं, 100 रुपये मानते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। अब जैसे पहले में निकाले थे हम लोग 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। फिर बोल रहा है यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता, अब क्रय मूल्य इसका 100 था, अब यदि 5% कम पर खरीदता, 5% कम पर क्रय मूल्य, पहले कितने में खरीदा था, 100 रुपये में, अब 5% अगर कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 95 रुपये में खरीदेगा। क्वेश्चन से ही बता रहा है कि यदि वह मेज को क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता, क्रय मूल्य कितना माना है हमने, 100 रुपया, उससे 5% कम पर खरीदता तो कितने में खरीदता, 95 रुपये में खरीदता, और 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। अब यहाँ पे देख रहे हैं कितना अधिक में बेचेगा कि 20% लाभ होगा, 20% लाभ पर, लाभ पर विक्रय मूल्य। अब यहाँ देखिए 95 में खरीदा है और 20% उसका लाभ लेना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, 95 रुपया तो खरीदा है और प्लस इसका 20%, 10% होगा 9.5, तो 20% कितना हो जाएगा, 19, तो 95 + 19 बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 114 रुपया। मतलब 20% अगर उसको लाभ पर बेचना है तो कितने में बेचना है, 114 रुपये में बेचना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि 80 रुपया अधिक में बेचता, किससे, इससे, ये दोनों का डिफरेंस वहाँ पे कितना बता रहा है, 80 रुपया बता रहा है। वहाँ क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, तो कितने में बेचा, 110 में, और 5% कम में खरीद के
₹80 अधिक में बेचता है, किससे, इससे ₹80 अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 20% अधिक लाभ लेने के लिए कितने में अधिक में बेचना पड़ रहा है, ₹4 में। पहले बेचा था 110 में, अभी बेच रहा है 114 में, तो कितना अधिक में बेच रहा है, ₹4 में बेच रहा है। और वहाँ बोल रहे हैं ₹80 में अधिक बेचना पड़ रहा है, तो 80 से तुलना करेंगे। यहाँ ₹4 अधिक में कब बेचना पड़ रहा है, जब क्रय मूल्य था ₹100, तो ₹80 अधिक में कब बेचना पड़ेगा, जब क्रय मूल्य कितना होगा, वही तो हमें निकालना है। यहाँ पे हम लिखेंगे ₹4 अधिक में बेचना पड़ रहा है जब क्रय मूल्य हमने कितना माना, ₹100। और वहाँ क्वेश्चन में देख रहा है, दिया हुआ है कि ₹80 अधिक में बेचना पड़ रहा है, ₹80 अधिक में बेचना पड़ेगा जब क्रय मूल्य होगा कितना, यही तो हमें निकालना है। और जब ऐसे आ जाएगा तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 82 × 100/4 बराबर ₹2000, यही हमारा आंसर हो गया। फिर से समझना है आप इसको, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसके पहले वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए इसको फिर से समझते हैं, क्रय मूल्य ₹100 हमने मान लिया, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ₹110। अब क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 5% कम पर खरीदता, तो कम पर खरीदता तो कितने में मिलता, ₹95। और बोल रहा है उसको 20% लाभ होता, तो 20% लाभ होने के लिए 95 प्लस इसका 20% जोड़ दिया 19, तो कितना हो गया, ₹114 में। अब पहले 110 में बेचा था, बाद में कितने में बेचा, 114 में, ज़्यादा कितने में बेचना पड़ रहा है, ₹4। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है ₹80, तो जरूर उसका क्रय मूल्य अलग होगा, ये तो हमने हमारा ये एज्यूम किया हुआ है, माना हुआ है। तो यहाँ ₹4 अधिक में बेचना पड़ रहा है जब हमने क्रय मूल्य एज्यूम किया कितना, ₹100, तो ₹80 अधिक में बेचना पड़ेगा जब क्रय मूल्य कितना होगा, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। प्रॉफिट एंड लॉस के जो अगला वॉल्यूम है उसमें मैं बताऊंगा कि अगर दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। बाय बाय।